हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू बी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एलासोरस के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर शोज़ हैं, पर इंडिया में कोई भी इन कार्टून्स या कोई भी मांगा सीरीज एनिमीज को नहीं जानते। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन कार्टून्स के ओरिजिनल चैनल्स हैं, आप चाहे तो इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, एलासोरस की कहानी शुरू करते हैं। एलासोरस की फॉसिल्स हमें 1877 कोलोराडो में मिले थे। व्यक्ति को वो फॉसिल्स मिले थे, उस व्यक्ति ने ही 1879 में उस फॉसिल को एलासोरस का नाम दिया था। उस व्यक्ति का नाम है ओलिवर चार्ल्स मार्स और ये व्यक्ति नेशनल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट थे। ये एक पैलियोन्टोलॉजिस्ट प्रोफेसर हुआ करते थे। एलासोरस का फॉसिल साइंटिस्ट लोगों को तो पागल कर दिया था दोस्तों, क्योंकि वो दिखने में टी रेक्स जैसा ही था। पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग पहचान लिए कि टी रेक्स अलग है, एलासोरस अलग है। एलासोरस बहुत बहुत गुस्सा वाला डायनासोर था दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो एक कार्निवोरस डायनासोर है और बहुत ही गुस्सा वाला। एलासोरस एक ताकतवर डायनासोर है। एलासोरस का फैमिली का नाम एलासोरिडे है। उसका हाइट 8.5 मीटर से 12 मीटर तक रहता था और उसका लेंथ 38 फीट तक रहता था। इसका वज़न 1500 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम तक रहता था। एलासोरस का स्पीड 30 किलोमीटर से 55 किलोमीटर पर हाथ तक रहता था। 1879 में ही एलासोरस का पूरा फॉसिल का खोज हुआ है। एलासोरस स्टीगासोरस और ब्राचियोसोरस को खाते थे। एलासोरस पानी के अंदर स्विम कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पैट्सी पैरासोरस के जानकारियाँ रखूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।